हेलो दोस्तों, फास्ट फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भारत के 10 सबसे बड़े और सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के बारे में बताने वाला हूं। नंबर 10, सुनील छेत्री। 10वें नंबर पर जगह बनाया है सुनील छेत्री ने। इनका जन्म 3 अगस्त 1984 को हुआ था। सुनील छेत्री एक बहुत ही कमाल के फुटबॉल प्लेयर हैं। ये ऐसे पहले इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अपने खेल का प्रदर्शन किया है। एक भारतीय द्वारा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स करने का रिकॉर्ड भी सुनील छेत्री के नाम है। ये ऐसे पहले इंडियन फुटबॉलर हैं जिन्हें खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। नंबर 9, मीराबाई चानू। इंडिया की 9वीं सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं मीराबाई चानू। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग के खेल की बहुत ही मंझी हुई प्लेयर हैं। साल 2014 में इन्हें अपने करियर का पहला इंटरनेशनल ब्रेकथ्रू मिला। ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने 48 केजी की कैटेगरी में 170 केजी तक का वेटलिफ्टिंग करके सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2017 में मीराबाई चानू ने यूनाइटेड स्टेट्स के एनम में हो रहे वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 194 केजी का वेटलिफ्टिंग करके गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। नंबर 8, लवलीना बोरोगेन। सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की लिस्ट में 8वां नंबर आता है लवलीना बोरोगेन का। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था। बॉक्सिंग जैसे इंटरेस्टिंग गेम की बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं लवलीना बोरोगेन। 2018 वर्ल्ड विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लवलीना बोरोगेन ने दिल्ली में आयोजित वेल्टर वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2019 में रशिया के उलान उदे में फिर से विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लवलीना बोरोगेन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। 2020 में ये भारत की पहली विमेन बॉक्सर बनी जिन्होंने 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। नंबर 7, साइना नेहवाल। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जगह बनाया है साइना नेहवाल ने। इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ था। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेलते हुए इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। 2009 में साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया ओपन प्रतियोगिता में जीत हासिल की और इंडिया की पहली ऐसी बैडमिंटन प्लेयर बनी जिन्होंने BWF सुपर सीरीज का टाइटल भी अपने नाम किया। 2015 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली बैडमिंटन प्लेयर थी, लेकिन साइना नेहवाल को कैरोलिना मैरिन के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था और सिल्वर मेडल ही जीत पाई थी साइना नेहवाल। नंबर 6, अनूप कुमार। भारत के 6ठे सबसे ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ी हैं अनूप कुमार। इनका जन्म 20 नवंबर 1983 को हुआ था। अनूप कुमार कबड्डी जैसे बहुत ही एंटरटेनिंग गेम के शानदार प्लेयर हैं। अनूप कुमार ने एशियन गेम्स में 2010 और 2014 में गोल्ड मेडल जीता था। ये इंडियन कबड्डी टीम के साथ मिलकर 2016 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम किए थे। नंबर 5, सचिन तेंदुलकर। भारत के 5वें सबसे ज्यादा फेमस और एडमायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं सचिन तेंदुलकर। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे और इन्हें क्रिकेट का भगवान भी माना जाता है। क्रिकेट की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए हैं, जो कि एक अद्भुत अचीवमेंट है। सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने ODI में 200 रन बनाए थे। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। नंबर 4, सानिया मिर्जा। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर जगह बनाया है सानिया मिर्जा ने। इनका जन्म 15 नवंबर 1986 को हुआ था। सानिया मिर्जा टेनिस की एक बहुत ही विश्वसनीय प्लेयर हैं। साल 2015 में विमेन्स टेनिस एसोसिएशन में सानिया मिर्जा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर थी। 2014 में इन्हें अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। नंबर 3, नीरज चोपड़ा। 3रे नंबर पर जगह बनाया है नीरज चोपड़ा ने। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। जेवलिन थ्रो के खेल में शानदार प्रदर्शन करके इन्होंने अपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। 2018 में 88.06 मीटर्स तक भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने जकार्ता में हो रहे एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में अर्जुन अवार्ड तो वहीं 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नंबर 2, विराट कोहली। भारत के दूसरे सबसे फेमस खिलाड़ी हैं विराट कोहली। इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ था। विराट कोहली पूरे दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर हैं। 2012, 2015 और 2016 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इन्होंने और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। विराट कोहली ऐसे पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने लगातार
चार टेस्ट सीरीज में चार डबल सेंचुरी लगाई हैं। ऐसे बहुत से रिकॉर्ड हैं विराट कोहली के जिन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। नंबर एक, महेंद्र सिंह धोनी। सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन हैं MS धोनी। 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया के सबसे माइंडेड खिलाड़ी हैं। MSD की कैप्टेंसी में ही इंडियन टीम पहली बार टेस्ट में नंबर वन टीम बनी थी। ये ऐसे पहले इंडियन विकेट कीपर हैं जिन्होंने टेस्ट में 4000 रन बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 50 की एवरेज के साथ ODI में 10000 रन बनाए हैं। दोस्तों, ऐसी एक और मजेदार वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उसे भी अभी क्लिक करके देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।